ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों हम सभी अंतिम दिनों या मानव पुत्र के दोबारा आगमन और आगामी घटनाओं के बारे सुनते आ रहे हैं। आज के सुसमाचार पर यीशु कहते हैं, यह सब घटित होने के पूर्व लोग मेरे नाम के कारण तुम पर अत्याचार करेंगे, तुम्हें सभागृहों और बंदी गृहों के हवाले कर देंगे और राजाओं तथा शासकों के सामने खींच ले जाएंगे। इन कथनों के बाद यीशु अपने सुनने वालों को सांत्वना के कुछ शब्द कहते हैं, सचमुच मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, फिर भी तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका नहीं होगा, अपने धैर्य से तुम अपनी आत्माओं को बचा लोगे। प्यारे भाइयों और बहनों, ये जो सांत्वना भरे शब्द यीशु के द्वारा कहे गए हैं, ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यीशु का अनुसरण करना क्रूस का रास्ता है। इस रास्ते में दुख, संकट, बहुत सारी चुनौतियां, यहां तक कि मरण भी है, जिसे हम दुनिया में देखते और सुनते आ रहे हैं। सारी दुनिया में लोगों को सताया जा रहा है और उनकी हत्याएं की जा रही है, क्योंकि वे यीशु पर विश्वास करते हैं। हम इसे टीवी समाचार पर देखते सुनते हैं, इसके बारे में अखबार या ऑनलाइन पढ़ते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ख्रिस्ते जीवन जीना आसान नहीं है। यीशु का अनुसरण करना इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो करने जैसा आसान नहीं है, क्योंकि यह क्रूस का रास्ता है। प्रभु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो, संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है। जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है। यीशु ने कहा है, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। यीशु का अनुसरण करना, हाँ, यह जरूर कठिन है, पर ईश्वर की कृपा से सब कुछ संभव है। हमें ना तो रुकना है और ना दौड़ना है, बस स्वर्ग की ओर चलते जाना है, बढ़ते जाना है। ईश्वर हमें आशीष दे कि हम ऐसा कर पाएं।